महाराष्ट्र में अजीत पवार बनेंगे सीएम, कांग्रेस नेता संजय निरुपम के इस दावे ने चौंका दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के मंगलवार 3 अक्टूबर को कैबिनेट की मीटिंग में शामिल नहीं होने के बाद राज्य की सियासत में नया चैप्टर शुरू होता दिखाई दे रहा है। खबर है कि चाचा शरद पवार से अलग होकर बीजेपी के साथ जाने वाले अजीत पवार नाराज चल रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि बीजेपी राज्य में अजीत पवार को सरकार चलाने का अवसर दे सकती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वह गैर संवैधानिक है और इसे तोड़ फोड़ करके जबरन बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में सरकार तो बना ली है, लेकिन अब वह संकट में है। इस पर पहला संकट संवैधानिक है, जिसमें शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द की जा सकती है, हालांकि सरकार उन्हें बचाने में लगी है। दूसरा संकट यह है कि जोड़ तोड़ की इस सरकार बनाने से बीजेपी का जनाधार टूट रहा है और पार्टी को जमीन पर कोई लाभ नहीं मिल रहा है। संजय निरुपम ने दावा किया, हमारे पास अंदर खाने से जो उड़ती हुई खबरें आ रही हैं, उस हिसाब से शिवसेना तोड़ने के बाद शिंदे को जो मराठा भाषियों को वोट मिलते थे, मिलने चाहिए थे, वो उनके पास आता नहीं दिख रहा है। वही अजीत पवार भी यहाँ पर नाराज चल रहे हैं। उनका जो नाराजगी नाटक चल रहा है, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि संभवती तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री बनने का वादा किया गया था, लेकिन इसमें काफी समय लग रहा है। महाराष्ट्र में आ सकती है राजनीतिक अस्थिरता। जी आपको बता दें, कांग्रेस नेता ने कहा, मुझे लगता है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर पैदा हो सकता है। बीजेपी एकनाथ शिंदे को बीजेपी दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगी, इसको लेकर शिंदे गुट में परेशानी शुरू हो गई है। आखिर पवार को मिल सकती है कमान। जी हाँ, उन्होंने दावा किया कि हो सकता है कि आने वाले समय में अपनी लोकसभा चुनाव की अपनी रणनीति के तहत इस सरकार को छोड़ दे और राष्ट्रपति शासन लगा दे, या हो सकता है कि बीजेपी अजीत पवार को सरकार चलाने का अवसर दे दे। नाराजगी की खबरें अब आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में मंगलवार को जब शिंदे कैबिनेट की बैठक हुई, तो अजीत पवार ने खराब सेहत का हवाला दिया और मीटिंग से दूर रहे, लेकिन सवाल तब खड़े हो गए जब घर पर अपने साथी विधायकों के साथ मीटिंग की। उधर कैबिनेट बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हो गए और उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। रवि राणा ने किया था दावा। आपको बता दें कि हाल ही में निर्दलीय विधायक रवि राणा ने शरद पवार के बीजेपी के साथ जाने और अजीत पवार को मुख्यमंत्री पद मिलने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि शरद पवार को देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करना चाहिए, उनके आने से हम राज्य और केंद्र में मजबूत सरकार बनाएंगे और यहाँ पर अजीत पवार को यहाँ पर सीएम बनने का भी मौका जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस के जिस तरीके से यहाँ पर संजय निरुपम जो है नेता, वो यहाँ पर दावा करते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है अजीत पवार महाराष्ट्र के नए सीएम बन सकते हैं, उसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में कई हलचल शुरू हो चुकी है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।